गुड इवनिंग, वेलकम बैक, लेट्स क्रैक WBA एग्जाम। सुन पा रहे मुझे आप लोग? फरहीन, फरहत, परवीन, इंद्रनील, सुन पा रहे मुझे आप लोग? इफ यस देन कमेंट में यस करके मुझे बताना। लेट्स क्रैक WBA एग्जाम पे आप लोग सबका स्वागत है। लिंक को जल्दी से फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे शेयर कर दो। सुन पा रहे कि नहीं मुझे आप लोग? आवाज क्लियर नहीं है? अभी क्लियर है क्या? आवाज देख लो, अभी ठीक है क्या? क्लियर? ना, अभी भी नहीं। एक बार रिफ्रेश करो तो, जरा रिफ्रेश कीजिए जरा। जस्ट अ मिनट, वेट। ठीक है अभी? अभी ठीक है क्या? सुन पा रहे मुझे आप लोग? बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा है बिकॉज मीटिंग चल रहा है टीएमसी एंड ऑल का। क्लियर है ना? अच्छा चलो, अब बताओ कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताओ कैसे हो आप लोग? सुन पा रहे मुझे कि नहीं? क्लियर? ओके चलो, जल्दी से हेडिंग करना, लिखना लेट्स क्रैक WBA एग्जाम के लिए। हम लोग का WBCS 2021 का फॉर्म आ चुका है 24, कल से फॉर्म फिलअप होगा। कल से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देना आप लोग, है ना? जल्दी से हेडिंग करेंगे, लिखेंगे करंट अफेयर्स 2020, ब्रैकेट में लिखेंगे मिशन 2021, है ना? करंट अफेयर्स 2020, मिशन 2021, जल्दी से हेडिंग करेंगे। पहला करंट अफेयर्स बोलने वाला हूं मैं अभी, जल्दी से, है ना? ओके, रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? Today we will discuss NCERT class 7 chapter 3. Okay, rank of India in the ease of doing business. Tell me the answer. Rank of India in the ease of doing business.
बिल्कुल सही, आंसर इज 63, है ना, आंसर इज 63। रैंक वन पे कौन सा कंट्री है, रैंक वन कौन सा कंट्री है? इंडिया का पोजीशन है 63, तो रैंक वन पे कौन सा कंट्री है जल्दी बताओ आंसर। रैंक वन पे कंट्री का नाम है, जल्दी बताओ, 30 सेकंड टाइम है आप लोग के पास। वे 163 नहीं है बाबू ना, 63। रैंक वन पे है न्यूजीलैंड। ओके, रैंक टू पे कौन सा कंट्री है, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अच्छा एक क्वेश्चन है, फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट, फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल इनॉग्रेटेड एट, इस साल भी न्यूजीलैंड है रैंक वन पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड रैंक वन पे है। फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल, फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल। बताओ आंसर कहां पे अभी इनोग्रेट हुआ, आंसर क्या बोलेंगे बाबू, आंसर इज तेलंगाना, आंसर इज तेलंगाना। इनोग्रेट कौन किया है, आंसर इज राजनाथ सिंह साहब। अच्छा, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आज का चौथा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है, आंसर बताएंगे जल्दी से कमेंट में। लेट्स क्रैक WBA एग्जाम को लिंक का शेयर कर दो दोस्तों में, फेसबुक व्हाट्सएप में ट्विटर पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए फीस है क्या है, फीस है 10,450 रुपए फॉर वन ईयर, 13,680 रुपए फॉर टू ईयर। अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप मुझे फॉलो करेंगे, प्लस क्लास में ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड लगाएंगे MD Alam, जिससे फीस क्या हो जाएगा, फीस हो जाएगा 10% डिस्काउंट, फीस हो जाएगा एक साल के लिए 9,405 रुपए, 13,680 रुपए फॉर टू ईयर, है ना। तो लिंक को फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर शेयर कर दो, अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, मुझे फॉलो करो और प्लस क्लास में ज्वाइन करेंगे। अब प्लस क्लास होगा 25th को सुबह 10 बजे, 25th को सुबह 10 बजे, उसके बाद दिन भर कोई क्लास नहीं होगा, आप आराम से 25th को सेलिब्रेट कीजिए, एक दो दिन रेस्ट कीजिए और फिर आकर के हम लोग मिलेंगे। पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया आंसर क्या है, आंसर है स्कॉट जॉन मॉरिसन। क्या लिखेंगे आंसर, स्कॉट जॉन मॉरिसन, पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। ओके, तो अन अकेडमी पे मेरा नाम सर्च करेंगे, नाम सर्च करेंगे मोहम्मद इंतखाब आलम खान, या सिर्फ आप इतना सर्च करो WBCS में जाकर के, WBCS के कोर्स में जाकर के सर्च करो INT, बस आप मुझे देख पाएंगे, फॉलो कर सकते हैं मुझे, बिल्कुल फॉलो करिए, क्योंकि प्लस क्लास और स्पेशल क्लास का क्लासेस के बारे में तब आपको पता चलेगा। तो चलो आज के क्लास के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT क्लास 7 का चैप्टर 3, जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर है, कैसे दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन हुआ उसके ऊपर है। तो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज लोग हैं जो स्नेहा मैम, बबीता मैम एंड ऑल, इनका भी क्लास आप लोग करेंगे प्लस क्लास में, स्पेशल क्लास में और यूट्यूब क्लास में। NCERT चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, क्या बोला, सल्तनत नहीं, सल्तनत का मतलब क्या होता है। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हो, ओके, तो आप लोग रेडी हो कमेंट में बता चलना, लिंक को दोस्तों में शेयर करते न चलना, कभी कभी मम्मी पापा को भी वीडियो मेरा दिखाया करो। ओके, सल्तनत और सुल्तान ये दोनों में फर्क है। सल्तनत का मतलब होता है अंपायर, किंगडम, किंगडम भी सही वर्ड नहीं होगा, अंपायर सही वर्ड होगा, ठीक है। और सुल्तान का मतलब होता है बादशाह, किंग। इंपॉर्टेंट एक बात बोल सुनना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे मुगल अंपायर, तो मुगल अंपायर का राजा लोग को क्या बोलेंगे, मुगल एम्पायर में राजा लोग को सम्राट भी बोला जाएगा, सम्राट भी बोला जाएगा। और नॉर्मली वो लोग क्या बोलता था अपने आप को, कोई जिल्लेलाही एंड ऑल वर्ड से डिनोट करते थे। मुगल बादशाह लोग को सम्राट बोला जाएगा, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो राजा लोग हैं उन राजा लोग को सुल्तान बोला जाएगा, सम्राट उनको कभी भी नहीं बोला जाएगा, लेकिन मुगल बादशाह जो है उनको सम्राट बोला जाएगा, है ना।
अब ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ऐसा। दिल्ली सल्तनत का जितना किंग लोग है, यह या बात याद रख लेना, और जब आप ऑप्शनल पेपर के लिए लिखेंगे तो ये सब बात को आप कोट करके लिखेंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो जब हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जितने किंग्स हैं वो किंग लोग टर्की के थे, तो उनके अंपायर में, उनके राज्य में जो वो लोग लैंग्वेजेस फॉलो करेंगे, जो कल्चर आर्ट इसको जो फॉलो करेंगे वो होगा टर्किश, ठीक है। और मुगल राजा लोग जब रूल करेंगे इंडिया पे, मुगल लोग का कहीं ना कहीं ऑरिजिन जो है वो इंडिया से है, वो बाहर वाले नहीं थे। ये टर्की वाले लोग जो आए, ये लोग भी बाहरी नहीं कहलाएंगे, आने के बाद यहीं पे बस गए और इनका बच्चा लोग यहीं पे पैदा हुआ, तो जो यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ वो यहीं का कहलाएगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का फोर फादर्स लोग टर्की का था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इंडियन है, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता, बंगाल में पैदा हुए थे। कहाँ पे? बंगाल में कहाँ पैदा हुए थे? जल्दी से कमेंट में बताना, जो जरा कमेंट में बताना, हम बहुत बार ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑल सब लोग इधर ही पे पैदा हुआ। मुगल श्लोक का केस ये था कि मुगल श्लोक का ऑरिजिन फरगना से था, जो आजकल पढ़ता है उज्बेकिस्तान में, तब अफगानिस्तान का पार्ट हुआ करता था, और फरगना से जो बिलोंग करते थे बाबर, बिलोंग करते थे बाबर का फादर लोग फरगना से बिलोंग करता था। तो हुआ ये कि इनके कल्चर और सोसाइटी में इंडियननेस बहुत था, इसीलिए सम्राट वर्ड केम फ्रॉम द संस्कृत, और ये संस्कृत वाला वर्ड जो सम्राट वर्ड है, या हिंदी वर्ड आप बोल सकते हैं, इसको यूज करते थे मुगल बादशाह लोग। लेकिन टर्किश जो सुल्तान है वो लोग अपने आप को, टर्किश किंग लोग वो लोग अपने आप को सुल्तान बोलते थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा टर्किश कल्चर को थोड़ा फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये अब इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में, सल्तनत के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर टू में स्टार्ट हो गया था, कावेरी डेल्टा एंड ऑल के बारे में हम लोग पढ़ा था। तो बिफोर आप देखना, दिल्ली सल्तनत के फॉर्मेशन के पहले आप दिल्ली को उतना इंपॉर्टेंट नहीं प्लेस पाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल प्लेस नहीं है। मुगल, ये जो दिल्ली सुल्तान के आने के पहले सिर्फ दो राजा लोग था, दो किंगडम था जो लोग दिल्ली को अपना सेंटर बनाएगा, कैपिटल बनाएगा, एक है तोमर्स लोग और दूसरा है चौहान लोग। तोमर कौन? अनंगपाल तोमर, है ना। अनंगपाल तोमर की बेटी से शादी हुआ था सोमेश्वर चौहान की, और सोमेश्वर चौहान और अनंगपाल तोमर की बेटी, इन दोनों का जो बच्चा था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थ्री। तो तोमर्स लोग क्या किया, अनंगपाल तोमर अपना दिल्ली दे देता है बाद में चौहान लोग को, किसको? पृथ्वीराज चौहान को, जो उसका ग्रैंड सन था, मतलब उसकी बेटी का जो बेटा था उसको दे देता है पृथ्वीराज चौहान को। और इसी बात पे झगड़ा होता है पृथ्वीराज चौहान का और राजा जयसिंह, इन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि दोनों दिल्ली को चाहते थे, लेकिन दो ग्रैंड सन था अनंगपाल तोमर का, और एक ग्रैंड सन को दिल्ली दे देता है, दूसरे को नहीं देता है। तो दूसरा वाला चिढ़ जाता है और दूसरा वाला क्या करता है, अपने ही कजन ब्रदर को क्या करता है, अपने मासी के बेटा को अटैक करेगा और दोनों के बीच में लड़ाई होगा। मतलब एक एक दो बेटी थी अनंगपाल तोमर की, इन दोनों का, है ना, इन दोनों का एक बेटा, एक इन दोनों में से एक का बेटा है पृथ्वीराज चौहान और एक का बेटा का नाम है राजा जयचंद। तो दोनों कजन ब्रदर, दोनों के बीच में दिल्ली के लेके लड़ाई होगा, क्योंकि दिल्ली जो है अनंगपाल तोमर, जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, वो दिल्ली दे दिए किसको, पृथ्वीराज चौहान को, राजा जयचंद को इसमें से कुछ नहीं मिलता है। और इसी बात पे दोनों के बीच में होगा झमेला, और आगे झमेला कंटिन्यू आप देखेंगे चलता रहेगा, है ना। चलिए अब जरा सा देखेंगे हम लोग, इट वॉज अंडर द तोमर्स चौहान and Delhi became the important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coin minted here called Dehliwal. क्या बोलते थे? चौहान लोग के टाइम में और तोमर लोग के टाइम पे जो कॉइन बना मिंट किया जाता था, उस कॉइन का क्या नाम पड़ा? उस कॉइन का नाम था देहलीवाल, है ना। देहली मतलब जग, दिल्ली, वाल मतलब वहां का रहने वाला, वहां से निकलने वाला, वहां से बनने वाला। तो कॉइन जो सर्कुलेट होता था वो कॉइन का नाम क्या था? दिल्लीवाल। बहुत सारे ये लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे टेंपल्स का, जैन टेंपल्स को, क्योंकि जैनिज्म को बढ़ावा दे रखे थे, है ना। कोट जो रिलीजन था, कोट रिलीजन वॉज जैनिज्म इन द कोर्ट ऑफ तोमर्स। जब दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक जब फॉर्मेशन करेगा 1206 से लेकर के 1210 तक,
स्लेव डायनेस्टी का। और इसके बाद दिल्ली जो है यहां से एक इंपॉर्टेंट सेंटर, कैपिटल सेंटर इंडिया का बन जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी है ना, अगेन एन आइडेंटिफाइड फाइव डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 13 सेंचुरी से 1206 मतलब 13 सेंचुरी और 13 सेंचुरी से लेकर के 1526 मतलब 13-16 सेंचुरी, ये 300 साल तक दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट सेंटर रहेगा, दिल्ली कैपिटल रहेगा पांच डायनेस्टी का। पांच डायनेस्टी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत में टोटल कितना डायनेस्टी था, तो आंसर क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत में टोटल डायनेस्टी था बाबू कितना, पांच। पहला वाला कौन, स्लेव, दूसरा वाला कौन, खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोदी, है ना। तो पांच डायनेस्टी मिलाकर के क्या बना दिल्ली सल्तनत, और ये पांचों के पांचों कौन थे, पांचों के पांचों थे फ्रॉम टर्की से बिलोंग करने वाले, है ना, टर्किश ऑरिजिन के। तो दिल्ली को जब ये लोग कैपिटल बनाया, तो जब भी कोई राजा दिल्ली पे राजा बनेगा, वो आसपास का एरिया में यमुना का ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यमुना का है ना, ये जो यमुना का आप रीजन देख रहे हैं, इस रीजन में अलग अलग जगह पे ये लोग क्या करेगा, सिटी को बनाएगा, सॉरी अलग अलग न्यू सिटी को डेवलप करेगा। जैसे जस्ट अ मिनट, ठीक, फिरोजाबाद एक सिटी, फिरोजशाह कोटला एक सिटी है ना, हौज खास एक सिटी, सीरी एक सिटी है, जहांपना एक सिटी है, तुगलकाबाद एक सिटी है, अदिलाबाद एक सिटी है, और दिल्ली कुना, हौज ए सुल्तानी, ये सब अलग अलग सिटी है दिल्ली में। तो होगा ये बाबू कि जब दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन होगा, और जब भी कोई नया न्यू डायनेस्टी आएगा दिल्ली सल्तनत में ना, जैसे आप देखेंगे पहले स्लेव आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर सैयद, फिर लोदी, तो जितना भी डायनेस्टी फॉर्म होगा, वो डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा लोग अपना अपना कैपिटल सिटी बनाएंगे, मतलब दिल्ली को एक्सपेंशन करेंगे। तो फिरोजाबाद और फिरोजशाह कोटला, ये दो सिटी को कौन बनाया, इन दो सिटी को बनाने वाला आदमी का नाम था फिरोजशाह तुगलक। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सिटी का नाम है अदिलाबाद एंड तुगलकाबाद, ये दोनों सिटी आप देखेंगे, तुगलकाबाद और अदिलाबाद, इन दोनों सिटी को कौन बनाने वाला आदमी है, ये दोनों सिटी को बनाने वाला आदमी का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सिटी आप देखेंगे एक दिल्ली में, उसका नाम है जहांपना, और ये सिटी को बनाने वाला आदमी का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। जहांपना का मतलब होता है रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरा दुनिया का कोई भी बाहर का आदमी लोग जहां पे आकर के रहे उसको बोलते हैं, है ना, जो दुनिया एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री में ट्रेवल करके चला जाता है, जिसको अपनी कंट्री में रहने का, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रहने से उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसा आदमी जब अपना कंट्री छोड़ देता है तो कहीं जाकर के जब वो रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी, है ना। तो जहां पना का मतलब, जहां का मतलब दुनिया, और पना का मतलब होना है रहने वाला, जहां पना मतलब होता है क्या, जहां पना का मतलब होता है रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। तो एक सिटी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद दिल्ली कुना, इस सिटी को बनाने वाला आदमी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। हौज खास, इस शहर को बनाने वाला आदमी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली में एक और सिटी बनाया अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम था सीरी। इस सिटी को भी बनाने वाला आदमी का नाम था क्या, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलग अलग राजा लोग क्या करेगा, अपना अलग अलग सिटी को बनाएगा, नया सिटी को डेवलप करेगा। क्यों, और जब भी एक खास बात याद रख लेना कि अभी तो सिर्फ हम पांच डायनेस्टी के बारे में बोले हैं, आगे भी मुगल्स लोग आएंगे दिल्ली को, जो भी दिल्ली में नया कोई शहर बनाने का कोशिश करेगा उसका अंपायर खत्म हो जाएगा। जब भी कोई आदमी नया शहर बनाएगा उसका अंपायर खत्म हो जाएगा, उसका अंपायर, है ना, इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि दिल्ली के बारे में बोला जाता है कि दिल्ली नेवर सूट्स। दिल्ली को पहली बार तोमर्स लोग बनाया, चौहान लोग उसको डिफीट कर देगा। पृथ्वीराज चौहान अपना कैपिटल बनाएगा दिल्ली को, मोहम्मद गौरी इसको डिफीट कर देगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को अपना कैपिटल बनाएगा, चार साल में घोड़े से गिर करके मर जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश अपना कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर लेगा, आराम से रूल करेगा। उसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में शहर बनाएगा सीरी, अलाउद्दीन खिलजी उस चार साल के बाद मर जाएगा 1620 में जाकर के उसका अंपायर पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा कौन, तुगलक लोग, तुगलक लोग बनाएगा तुगलकाबाद, अदिलाबाद, जहां बना सिटी बनाएगा फिरोजशाह तुगलक,
बनाएगा फिरोजाबाद और फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह तुगलक के बाद डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ गया लोदी लोग, लोदी लोग दिल्ली में बनाया था लोदी गार्डन, जो यहाँ पे आपको मैप में नहीं दिख रहा है। तो लोदी लोग का भी एम्पायर देखना, तीन राजा के बाद उसका भी एम्पायर खत्म हो जाएगा। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, डायनेस्टी खत्म। उसके बाद आया बाबर, बाबर अपना कैपिटल बनाएगा आगरा, आराम से रूल ट्रॉल करेगा, है ना। उसके बाद आएगा कौन, उसके बाद आएगा हुमायून, हुमायून अपना दिल्ली में एक बनाएगा कैपिटल, शेर शाह सूरी उसको डिफीट करके मार के बैक टू पवेलियन कर देगा। शेर शाह सूरी आएगा अपना कैपिटल बनाएगा कहाँ, दिल्ली और आगरा को, वो भी देखेंगे बॉम्ब ब्लास्ट मोड़ करके मर जाएगा। उसके बाद आएगा कौन, अकबर, अकबर अपना कैपिटल बनाएगा आगरा, नो प्रॉब्लम, आराम से रूल करेगा। उसके बाद आएगा अकबर का बेटा जहांगीर, ही मेड हिज कैपिटल इन लाहौर, आराम से रूल करेगा, नो प्रॉब्लम। उसका बेटा आएगा शाहजहां, शाहजहां दिल्ली में अपना कैपिटल बनाएगा शाहजहानाबाद, सेकेंड कैपिटल, शाहजहां को औरंगजेब उसका बेटा कर लेगा कैप्चर, औरंगजेब अपना कैपिटल बनाएगा कहां पे, आगरा, 50 साल तक रूल करेगा, नो प्रॉब्लम। दिल्ली नेवर सूट्स, दिल्ली में जो भी नया कोई शहर बनाने का कोशिश करेगा, दिल्ली उसको सूट नहीं करता है, है ना। और आप देखना मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में आप देखना ना शीला दीक्षित, दिल्ली का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है ना शीला दीक्षित के टाइम पे, और इलेक्शन हार गई अरविंद केजरीवाल से। अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आने वाला है, क्योंकि अगर वो थोड़ा डेवलप किए हैं तो वो भी अगला बार इलेक्शन हारेंगे, और हारना ही चाहिए उनको, है ना, क्योंकि वो बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत गलत गलत प्रोपेगेंडा किए हैं एक कम्युनिटी के बारे में। उस कम्युनिटी का नाम है मुस्लिम। सबसे पहले जो प्रोपेगेंडा किया था कि तबलीगी जमात वाला लोग फैलाए हैं कोरोना, प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी का नाम था अरविंद केजरीवाल, और बाद में कोर्ट में जाकर के गलत साबित हुआ, तो उनको माफी मांगना चाहिए कि कम्युनिटी को सीएम होकर के बदनाम किए। ये कोई छोटा मोटा नेता बोलता तो कोई बोल बात उतना बड़ा बात नहीं होता, पर दिल्ली का सीएम होकर के कम्युनिटी को पूरा को पूरा बदनाम करना, बेसलेस एलिगेशन लगा करके, दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। नहीं, ओके, तो इतना सारा सिटी बनेगा, अब सिटी बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जो एक चार्ट दिया है एनसीआरटी आपको, राजपूत डायनेस्टी 1130 से 1145, उसके बाद तोमर्स लोग आएंगे 1165 से 1192, आनंग पाल तोमर 1165 से लेकर के 92 तक, 92 से फिर 1175 से 1192 तक चौहान लोग, पृथ्वीराज चौहान रूल करेंगे। अब उसके बाद 92 के बाद टर्किश लोग पावर में इंडिया में आ जाएगा, कुतुबुद्दीन अबक 1206 से 1210, उसके बाद शमशुद्दीन अल्तमश जिसको इल्तुतमिश लिखा हुआ है 1210 से लेकर के 1236 तक रूल करेंगे, रजिया 1236 टू 1240 तक रूल करेंगी, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 तक रूल करेंगे। ये एक टॉम्ब आप देख रहे हैं दिल्ली में, किसका टॉम्ब है, ये है इल्तुतमिश का टॉम्ब, जहां पे किसी को दफन करते हैं, तो ये है दफन करने वाला जगह, और ये चारों तरफ बना हुआ जो एरिया है दैट इज टॉम्ब। उसके बाद खिलजी आएगा 1290 से 1320 तक रूल करेंगे, इसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, उसके बाद तुगलक लोग आएंगे 1320 से लेकर के 1414, उसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1324 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली सही डेट है 1325, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, ये वाला करेक्ट है, है ना। समटाइम एनसीईआरटी में भी गलती रहता है, मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट डेट इस 1320 से 25। और ये है अलाई दरवाजा, जिसको कंस्ट्रक्ट करवाया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा क्या है, एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार, है ना। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, सैयद डायनेस्टी आएगा 1414 से 51 तक, इसमें इंपॉर्टेंट किंग है खिजर खान 1414 से 1421 तक रूल करेगा। उसके बाद आ जाएंगे लोदी लोग 1451 से लेकर के 1526, जिसमें फाउंडर किंग का नाम था बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 1489 तक, और ये फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली में। ओके, अब कैसे डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली में, इंफॉर्मेशन कैसे हम लोग को कलेक्ट हुआ, तो पेपर आ चुका था, आप जानते हैं दुनिया में पहले वाला हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पेपर आ चुका था, पेपर का इन्वेंशन चाइनीज लोग कर चुका था। पेपर को मैक्सिमम लिटरेचर लिखने के लिए अरबिक पीपल लोग, ये टर्किश पीपल लोग यूज करेगा इंडिया में। ऑल्दो इंस्क्रिप्शन क्वाइंस एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूएबल आर, है ना, हिस्ट्रीज, तारीख, तारीख का मतलब होता है सिंगुलर, तवारीख का मतलब होता है प्लूरल, है ना।
मतलब बहुत सारा हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, तवारीख, और एक कोई बात बोलेंगे तो बोलेंगे तारीख, है ना। रिटन इन पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत में लैंग्वेज था वो लैंग्वेज वो लोग क्या बोलते थे, पर्शियन बोलते थे। मुगल लोग भी पर्शियन बोलते थे लेकिन मैक्सिमम यूज पर्शियन का यूज होता था दिल्ली सल्तनत में, और एक वर्ड का, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, दैट इज टर्किश। इन दो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन जब मुगल लोग आएगा तो लोग मैक्सिमम यूज करेगा पर्शियन का, और पर्शियन के बाद जो लोग यूज करेगा वो उर्दू और हिंदी का इस्तेमाल करेगा मुगल पीरियड में। जैसे अकबर पोएम लिखता था हिंदी लैंग्वेज में, है ना, और उर्दू का, हिंदी का डेवलपमेंट होगा मुगल पीरियड में। आप देखेंगे मोर और सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट उर्दू और हिंदी का होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चार फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पहला वाला फोटो में एक इंसान है जो क्या बना रहा है, जो पेपर बना रहा है, है ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा वाला में आप क्या देख रहे हैं, इस फोटो में आप देखेंगे कि ये आदमी क्या कर रहा है, पेपर पे क्या कर रहा है, लिखाई कर रहा है, हिस्ट्री लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना। तीसरा वाला में आप क्या देखेंगे कि गोल्ड को पिघला करके उस गोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा वो टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। चौथा वाला पॉइंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चौथे फोटो में एक आदमी है जो बुक बन जाने के बाद उसको फाइनली बाइंडिंग कर रहे हैं, है ना। ये चार फोटो हम लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, द ऑथर्स ऑफ द तवारीख वेर लर्न्ड मेन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स पोएट्स एंड कोर्टिसंस वेर बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन द गवर्नेंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल इंपॉर्टेंट जस्ट रूल्स। तो हिस्ट्री लिखने वाला जो आदमी होता था वो आदमी लोग पढ़ा लिखा, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोटिशंस होता था, सेक्रेटरी होता था, जो लोग राजा को क्या करते थे, एडवाइस करते थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पे, है ना। तो फक्र मुदब्बिर एक आदमी हिस्टोरियन का नाम है 13 सेंचुरी का, क्या लिखा है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात लिखा है अपना हिस्ट्री का बुक में। क्या है लिखा है कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, कोई भी राजा बिना सोल्जर के नहीं हो सकता है, अगर सोल्जर नहीं तो राजा फिर ज्यादा दिनों तक राजा रह नहीं पाएगा। एंड अ सोल्जर कैन नॉट लीव विदाउट सैलरीज, और सोल्जर्स बिना पैसे के नहीं रह सकता है। सैलरी केम फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पेजेंट्स, और सैलरी कहां से आता है, राज सैलरी कलेक्ट होगा पेजेंट, फार्मर से, टैक्स में। बट पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी, लेकिन फार्मर्स लोग कब टैक्स पे करेंगे, जब वो लोग हैप्पी रहेंगे, है ना। आजकल की तरह अगर हैप्पी नहीं है तो लोग टैक्स भी पे नहीं कर पाएगा, है ना। और उनको हैप्पी रखने के लिए क्या होगा, उनको हैप्पी रखने के लिए राजा को कुछ करना पड़ेगा। दिस हैपेंस व्हेन अ किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और फार्मर्स लोग तब खुश रहेंगे जब उनको हमेशा जस्टिस सपोर्ट, गवर्नेंस का मतलब होता है कि राजा को अपने फार्मर्स को कैसे डेवलप प्रॉस्परस कराना है, डेवलप करो, उसके लिए वो पॉलिसीज लेकर के आएगा, है ना, जिससे फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। तो फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, सैलरी देंगे आर्मी लोग को, और वो आर्मी आपका अंपायर को एक्सपैंड करने में आपको मदद करेगा। अंटार्कटिका में नहीं होता है, नॉर्वे में होता है 6 महीना, वो भी सब जगह पे 6 नहीं। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछिए। अब सुनो हमसे, ये सब चीज में तो मेरा एक्सपर्टीज है बाबू, एक्सपर्टीज, आई एम द बेस्ट। फिर बोलोगे आप तो खाली अपने बारे में बोलते हैं। हाँ, 5 जो डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत का, इसको कैसे याद रखोगे, गुल खिले तो सांस लो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन पहले, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन WBCS 2015 में पूछ चुका है कि दिल्ली सल्तनत में कितना डायनेस्टी था, तो आंसर है 5। कैसे इसको याद रखोगे, और कौन कब आया इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट है, गुल खिले तो सांस लो, जो जाबिर ने बताया, ये पहले हम जब महिंद्रा में पढ़ाते थे तब एक बार बताया था, है ना। तो आंसर क्या है, गुल खिले तो सांस लो, गुल से गुलाम, मतलब कहां गया, गुल से गुलाम, खिले तो खिलजी, है ना, खिले से खिलजी, तो से तुगलक, स से सैयद, और ल से लोदी। गिल खिले तो, गुल खिले तो सांस लो, गुल का मतलब होता है फ्लावर्स,
अब प्रवीण का क्वेश्चन है कि नॉर्वे में 6 महीना रात 6 महीना दिन होता है, तो अजान का टाइम कैसे पता चलता है? वेरी गुड बाबू, आप जानती हैं एक बात, साइंस में सूरज डूब जाता है, चांद कभी नहीं डूबता है। साइंस में पढ़ी हो, सूरज डूब जाता है, चांद कभी नहीं डूबता है ना? तो नॉर्वे में आप जाएंगे तो चांद आपको 365 डेज आपको नजर आएगा। चांद को देख करके पता चल जाता है टाइमिंग एंड दिन है कि रात है। चांद अगर आसमान पे दिखाई दे रहा है, मतलब अभी रात है। चांद आसमान पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब आप देखेंगे रात है। चांद नहीं दिखाई दे रहा है मतलब, चांद दिखाई दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा? रात है और चांद नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स क्या होगा आपको? सुबह है। तो चांद को देख करके लोकेशन का पता है। इसीलिए देखना कि चांद, दो कैलेंडर दुनिया में ऐसा है जो लूनर है, एक है इस्लामिक कैलेंडर और एक है बंगाली कैलेंडर। चांद से लोकेशन और पोजीशन और टाइम का पता लगाया जाता है, ठीक है? ये ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड जिसका जिसका कैलेंडर चांद का है, और एक बंगाली आपको कैलेंडर जो चांद का आपको मिलेगा, इसी से पता लगा जाता है टाइमिंग के बारे में, ठीक है? सूरज तो दिन भर में निकलेगा, डूबेगा, उससे पता नहीं चलेगा, लेकिन चांद से पता चल जाता है। और अंटार्कटिका में नॉर्मली आदमी नहीं रहता है, और हाँ क्या बना के रहते हैं आदमी लोग वहां पे अंटार्कटिका में, रिसर्च सेंटर जो है वो उसमें आदमी रहता है। बोलो तो अंटार्कटिका में इंडिया का रिसर्च सेंटर का नाम, रिसर्च सेंटर है मेरा अंटार्कटिका। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास के ऊपर। ओके, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन द सिटी मेनली, कहां पे? दिल्ली में, एंड द हार्डली एवर इन द विलेज। तो हिस्ट्री लिखने वाला जो आदमी लोग होता था दिल्ली सल्तनत में, मेनली क्या होता था? दिल्ली में राजा के दरबार में रहता था, और नॉर्मली वो लोग कभी भी गांव की तरफ जाता नहीं था। दूसरा बात है, दे ऑफन रोट देयर हिस्टोरीज फॉर सल्तनत इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। तो हिस्ट्री लिखने वाला जो आदमी होता है वो लोग राजा को खुश करने के लिए ऐसा हिस्ट्री लिखा करता था जो लोग राजा के फेवर में होगा, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तीसरा क्या बोल रहे हैं, दिस ऑथर्स एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड ऑफ प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑन ऑर्डर बेस्ड बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब राजा को ये लोग क्या करता था, बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में हमेशा एडवाइस करता था, जिसके ऊपर राजा हमेशा अपना फैसला लिया करता था, है ना? बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं। अब 1236 में एक आदमी आया जिसका नाम है इल्तुतमिश, 1236 एक्चुअली में वो 1200 कौन आया, रजिया। तो 1211 से लेकर के 1210 11 से लेकर के 36 तक रूल करे कौन, रजिया का पापा इल्तुतमिश, और उसके बाद 36 में आ जाएगी रजिया। अब जैसे रजिया आया तो पहले का इसके रजिया के पहले जितना भी राजा था सब कौन थे, सारे राजा लोग जो ये दिल्ली सल्तनत सारे मैन थे, और हमेशा मैन लोग अपना देखेंगे, मैन लोग का दिमाग पे ये रहता है, मैन हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानता है। तो आज के जमाने में अगर मैन इतना अपने आप को सुपीरियर मानता है, सोचो आज से 700 साल पहले मैन कितना सुपीरियर अपने आप को मानता होगा। तो रजिया जैसे ही क्वीन बनी ना अपने अपने बाप के बाद, तो उस टाइम में जो रजिया के या इल्तुतमिश के टाइम पे एक हिस्टोरियन था, उसका नाम था मिन्हाजुस्सिराज, और मिन्हाजुस्सिराज रजिया को के बारे में अपना बुक में लिखते हैं कि रजिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था सिवाय इसके कि बहुत केपेबल लड़की थी वो, सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सारा कैपेबिलिटी उसके अंदर था, लेकिन वो लिखता है कि रजिया फिर भी एक औरत है, और औरत को हम लोग क्वीन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना नोबल्स लोग एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम लोग किसी औरत के नीचे रह करके काम करना पसंद नहीं करेंगे, जबकि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो राजा को हमेशा एडवाइस करता था जेंडर डिस्ट्रिक्शन और बर्थ राइट के बारे में, लेकिन जब देखेंगे कि मतलब क्या बताता था, किसी को किसी वेमेन को प्रमोट ना करो ऊपर पोजीशन पे। अब रजिया जब क्वीन बन गई तो सारा नोबल्स लोग क्या हो जाएगा, छुड़ जाएगा, और फाइनली इसीलिए देख लेना नोबल्स लोग रजिया का भाई के साथ मिल करके और रजिया का मर्डर करवा देते हैं 1240 में, और रजिया के मर जाने के बाद फिर उसका भाई लोग पावर में आ जाएगा।
मिनहाजुस सिराज क्या लिखेगा, मिनहाजुस सिराज थॉट दैट द क्वीन रूल वेयर अगेंस्ट द आइडियल सोशल क्रिएटेड बाय गॉड, मतलब भगवान जो एक डिस्टिंक्शन बना के रखा है, मतलब मैन इज सुपीरियर और वेमेन इज इन्फीरियर, ऐसा उनका सोचना है कि भगवान ऐसा बना के रखा है, लेकिन भगवान तो मैन और वेमेन दोनों को क्या बना है, इक्वल बना के रखा है ना। किसी जगह पे मैन सुपीरियर है, ये बात सही है, किसी जगह पे वेमेन भी सुपीरियर है, है ना, किसी जगह पे मैन सुपीरियर है, किसी जगह पे वेमेन भी सुपीरियर है। इसका एग्जाम्पल हम आपको पहले दिया था कि एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम है जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10-10 मार्क का, है ना, और कोई लड़की को 10 में से कोई क्वेश्चन में 10 में 9 मिला, किसी लड़के को 10 में से उस क्वेश्चन में 8 मिला, लेकिन फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट में पता चला कि 100 में से लड़की को भी 90 मिला है, 100 में से लड़का को भी 90 मिला। तो जो मैन और वेमेन है सोसाइटी में, ये दोनों को कहीं पे एजेस है, कहीं पे मैन सुपीरियर, कहीं पे वेमेन सुपीरियर, लेकिन एट लास्ट दोनों क्या है, दोनों के पास इक्वालिटी है, दोनों इक्वल है सोसाइटी में। लेकिन मिनहाजुस सिराज का मानना यही है और उस टाइम का नोबेल लॉ का मानना यह है कि मैन सुपीरियर वेमेन इनफीरियर, और फिर ऐसी औरत के नीचे में हम लोग रह करके नहीं, ऐसी क्वीन के नीचे हम लोग रह करके काम नहीं कर सकते। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, है ना, दिस वॉज कॉन्ट्रास्ट टू क्वीन रुद्रा देवी। अब रुद्रमा देवी 1262 से लेकर के 1289 उसी के बाद कुछ सालों के बाद आप देखेंगे काकतिया डायनेस्टी वारंगल में एक क्वीन होगी आंध्र प्रदेश में। रुद्रमा देवी क्या करेगी, अपना नाम को चेंज कर लेगी और अपने आप को बोला करती थी वो महाराजा, जबकि कहलाएगी क्या, महारानी। ये रुद्रमा देवी का आपको फोटो देखेंगे, इस पे साउथ इंडिया में फिल्म भी बन चुका है, कहां गया, साउथ इंडिया में फिल्म भी बन चुका है और रुद्रमा देवी फिल्म का नाम है, ठीक। तो ये अपना नाम को चेंज कर लेती है क्योंकि इसको भी पब्लिक लोग क्वीन एक्सेप्ट करने से मना करता है वो जमाना में सोसाइटी में, तो ये अपना नाम को महाराजा, महाराजा रुद्रमा देवी ऐसे करके बुलाती थी, ठीक। उसके बाद अनदर एक क्वीन आप देखेंगे दिद्दा, दिद्दा कश्मीर में 980 में रूल करती, 980 से 1003 तक, और टाइटल दिद्दा कहां से आया, दीदी से आया, दीदी मतलब एल्डर सिस्टर, ये बंगाल वाली दीदी नहीं, तो दीदी से वो अपना नाम चेंज करके क्या कर लेती है, नाम चेंज करके कर लेती है दिद्दा, ठीक है। तो वैसे ही रजिया अपने आप को रजिया ना बोल करके क्या बोलवाती थी, रजिया के जगह पे वो अपने आप को बोलती थी सुल्तान, इसीलिए वर्ड उसका पड़ा रजिया सुल्तान। सुल्तान जो वर्ड है वो हमेशा मैन के लिए होता है, लेकिन रजिया अपने आप को थी तो औरत, लेकिन औरत की तरह बिहेव नहीं करती थी, वो नाम भी टाइटल क्या अडॉप्ट करके रजिया सुल्तान, क्यों, क्योंकि वो थी तो वेमेन लेकिन बिहेव मैन की तरह करती थी। बैटलफील्ड में जाकर के घोड़े हाथी पे बैठ करके रजिया खुद तलवार चला के अपनी कंट्री को जाकर के प्रोटेक्ट करती थी, और इसीलिए उसके बारे में बोला गया, अमीर खुसरो बोलना बहुत हिस्ट्रोन लोग बोला है कि रजिया, हाँ निजामुद्दीन औलिया बोलते हैं कि रजिया बॉर्न विथ रॉन्ग सेक्स, गलती से वो लड़की पैदा हो गई, एक्चुअली में लड़का पैदा होना चाहिए था, क्योंकि हरकतें उसकी सारी जो थी अच्छी हरकतें, वो सारी अच्छी हरकतें मैन लोग मैन राजा की तरह थी, है ना, हरकत वर्ड गलत होगा, है ना, हरकत ना बोले, ठीक। अब इल्तुतमिश जब पावर में आया था तो ये सारा दिल्ली से लेकर के आप स्टुअर्ट सिंध पंजाब तक जाएंगे तो जितना सिटी है सबको इल्तुतमिश ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था, ठीक है। शमशुद्दीन तमस ये अपना अंपायर को एक्सपांड कर लेगा टिल आप देखेंगे फ्रॉम ईस्ट इंडिया टू आप देखेंगे टुवर्ड्स वेस्ट इंडिया का तरफ, आप ये सारे एरिया को कैप्चर करके, मतलब अपना अंपायर को वो नीचे की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं लेकिन वो टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ लेके जा रहा है और सिंध और पंजाब की तरफ का एरिया को कैप्चर कर लेगा। वाई वाई का कारण यह है, इंडिया पे वो जमाना में जो अटैक होता था वो सिंध और पंजाब से ढुकता था, क्योंकि मंगोल्स लोग जब अटैक करते थे तो सिंध और पंजाब के रास्ता से खैबर पास होते हुए उलगंडा पर अटैक करते थे, इसीलिए इल्तुतमिश इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है, बिकॉज ये एरिया अगर कंट्रोल हो जाएगा तो आप उसका कैपिटल जो है वो सेंटर जो है इंडिया का वो उसका कंट्रोल में आ जाएगा, है ना, दैट इज व्हाई इस तरफ आगे बढ़ रहा है। इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत rarely went beyond the heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultan seldom controlled hinterland. Hinterland का मतलब क्या होता है? Sultans लोग mainly क्या करता था? Coastal areas and river वाला area को क्या करता था? Capture करता था और अपने part में मिलाता था और धीरे धीरे उस शहर को garrison से वो लोग cities में तब्दील कर देगा। तब्दील का मतलब changes। मतलब किसी area को पहले capture करेगा, अपना army का वहाँ पे base बनाएगा, army का base को हम लोग क्या बोलेंगे? Garrison। और फिर धीरे धीरे उस garrison को town में, city में वो लोग convert कर देगा, ठीक है।
cities and were therefore dependent upon the trade, tribute, plunder and supplies. Controlling garrison towns in the distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. तो अब जो बंगाल और सिंध में जो भी गैरिसन है उसको कंट्रोल करना दिल्ली से बैठ करके आसान नहीं है. रेबेलियन को भी वॉर को भी आपको प्रोटेक्ट करना है. तो आप दूर तक एरिया तक अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना होगा, क्योंकि मंगोल्स लोग का, अफगानिस लोग का इनका अटैक हो जाता था. तो ऐसे गवर्नर्स को अपॉइंट करो, अफगानी गवर्नर लोग को, जो लोग क्या करे मंगोल का रेबेल को वो लोग रोक पाए. ठीक है. सुल्तान द सल्तनत बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस. इट्स कंसोलिडेशन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. तो मंगोल्स लोग को मेनली जो आप देखेंगे प्रोटेक्ट कर पाएगा अपने स्टेट को, कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाएगा उसके, उसका नाम है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक. ये लोग क्या करेगा, ये लोग कंट्रोल करेगा मंगोल्स अटैक को इंडिया पे, है ना. चलिए, द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ऑफ द सुल्तान of the Sultanate aimed to consolidating the hinterlands garrison towns. During these campaigns forests were cleared in the Ganga Yamuna Doab. ठीक है. Hunter and gatherers pastoralists expelled from their habitat. जो लोग भी गंगा यमुना के जंगल में रहते थे उन सबको उधर से खाली करवाया गया और उस लैंड को, जंगल को खाली करवा करके वहां पे गैरिसन एंड टाउन बनाया गया, ताकि ये जो एरियाज है इसको कंट्रोल में रखा जाए दिल्ली सल्तनत के. सेकेंड एक्सपेंशन अकॉर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत मिलिट्री एक्सपेडिशन. पहले तो इंटरनली जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो पहले, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो राजा लोग है वो दिल्ली में यहाँ पे कहीं पे बैठेगा, तो जो दिल्ली का आसपास का जो गंगा जमुना का रीजन होगा इसको वो लोग क्या करेगा, क्लियर करेगा और इसको अपने अंपायर को एक्सपेंड करेगा. उसके बाद ये लोग कहाँ जाएगा, उसके बाद इंडिया का बाउंड्री से बाहर एक्सटर्नल एरियाज पे जाएगा और इसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा. वो एक्सटर्नल एरिया है दैट इज सिंध एंड पंजाब. ठीक है. तो इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. क्या करेगा, अब जो लोग आगे का एक्सपेडिशन, आगे साउथ को जो एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा, सबसे पहले साउथ पे एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेगा अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है. और इल्तुतमिश के टाइम पे एक्सपेंशन इधर होगा दिल्ली के बाहर वेस्ट की तरफ. अलाउद्दीन खिलजी कहां जाएगा, इधर ना जाकर के, वो कहां जाएगा, इधर, क्योंकि ऑलरेडी जो है दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में ये एरिया पहले से आ चुका है. तो अब और कहां जाएगा, ये ऑलरेडी लोग पहुंच चुका है, तो अब एक्सपेंशन करने का चांसेस कहां पे, साउथ पे. इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी जाएगा साउथ पे, पहला राजा जलालुद्दीन खिलजी और आर्मी जनरल का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, जो साउथ पे जाकर के वोरंगल वोरंगल सबको कैप्चर करके अपने स्टेट में मिला लेगा. ठीक है. मोहम्मद बिन तुगलक इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स हॉर्सेस स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रीशियस मिसाइल्स. अब मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी जब ये लोग अटैक करेगा तो जिस जगह पे अटैक करेगा वहां से वो लोग अपनी अंपायर के लिए प्रीशियस स्टोन्स, हॉर्सेस, एलिफेंट और स्लेव लोग को कैप्चर करके लाएगा और वो स्लेव लोग को इंपॉर्टेंट पोजिशन पे वो लोग अपॉइंट करेगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे काम लेकर के अपना एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा. ठीक है. अपने एम्पायर को एक्सपैंड करेगा. By the end of Muhammad bin Tughlaq reign, 150 year after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate marched across the large part of the subcontinent. अब मोहम्मद बिन तुगलक के एंड हो जाने के बाद जब मुगल्स लोग आएगा तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग सिंध पंजाब को भी क्रॉस करके पूरा अफगानिस्तान को कैप्चर करेगा. सिंध पंजाब कहाँ, आज के हिसाब से पाकिस्तान में. ये लोग क्या करेगा, मुगल्स लोग आकर के अफगानिस्तान को भी अपना कैप्चर करके और अपने स्टेट में मिला लेगा. मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये लोग आगे एक्सपांड करेगा मोहम्मद बिन तुगलक के मर जाने के ऑलमोस्ट 150 साल के बाद. दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज. द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पेजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन द रियल्म. बट हाउ कंप्लीट इफेक्टिव वॉज कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी. अभी लोग इस एरिया को, जिस एरिया को लोग कैप्चर करेगा वहां से उसको अपने कंट्रोल में लाने के बाद वहां के पेजेंट्स एंड ऑल लोग से टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा और उस एरिया में जस्टिस को एस्टैब्लिश करेगा. कौन, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आने वाला जो राजा लोग होगा. लेकिन इस बड़े टेरिटरी को कैसे ही लोग कंट्रोल में रखा इफेक्टिवली, उसको आगे हम लोग देखेंगे. तो अब देखना एक्सपेंशन कैसे हो रहा है. एक्सपेंशन ये दिल्ली से एक्सपेंशन होते होते ये इधर ईस्ट की तरफ भी पहुंच गए, वेस्ट की तरफ पहले से पहुंचे हुए थे और साउथ की तरफ भी पहुंच गए. तो ये पूरा एरिया अलाउद्दीन खिलजी देखना कैंपेन करके साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया सबको कैप्चर करके और अलाउद्दीन खिलजी ऑलमोस्ट पूरा स्टेट को कैप्चर करके अपने पार्ट में मिला लेगा. लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी का जो भी एक्सपेंशन का, जो भी एक्सपेंशन का उसका तरीका है, वो एक्सपेंशन के तरीके से हम लोग को क्या लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने कंट्री के बाहर ना जाके दूसरे कोई लैंड को अटैक ना करके अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है कि वो ये जो टेरिटरी है इस टेरिटरी के अंदर अपने आप को कंसोलिडेट करे, क्योंकि एक्सटेंशन तो पहले ही हो चुका है, अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑल लोग पहले ही एक्सटेंशन कर चुके, सॉरी इल्तुतमिश बलबन लोग एक्सटेंशन अंपायर का कर चुका है। अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है, जो अंपायर का एक्सपेंशन हो चुका है उस अंपायर को हम क्या करें, पहले मजबूती से अपने हाथ में ले ले। इसलिए देखना आज का जो इंडिया का मैप है, अलाउद्दीन खिलजी उसी के अंदर पूरा अंपायर को कैंपेन कर रहा है अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को कंसोलिडेट करना चाहता है। एक्सपेंशन से बेटर उसका पॉलिसी क्या है, कंसोलिडेशन। तो दो पॉलिसी होता है किसी राजा का, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। तो पहले एक्सपेंड करो फिर कंसोलिडेट करो, मतलब पहले पढ़ाई करेंगे फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, है ना, याद करना, मतलब पहले आप रटने के बाद उसको कितने दिनों तक आप रख पाएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्लास सिक्स पढ़ा है, क्लास सिक्स वाला एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्लास सेवन जब आप पढ़ने गए तो क्लास सिक्स आपको याद होना चाहिए। अगर आप क्लास सिक्स पढ़ चुके हैं और सेवन वाला जब पढ़ने गए और क्लास सिक्स आप भूल गए तो आप सिर्फ एक्सपेंशन कर रहे हैं, कंसोलिडेशन नहीं कर रहे। तो सिक्स सेवन एट नाइन सबको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड भी करेंगे कंसोलिडेट भी करेंगे, राइट। चलिए ये आप देखेंगे कुतुब मीनार के पास इंडिया का किसी राजा का बनवाया हुआ पहला मस्जिद, उसका नाम है कुवतुल इस्लाम मॉस्क। तो कुवतुल इस्लाम मॉस्क ये है, ये आपको मस्जिद दिखाई पड़ रहा है, ये है मस्जिद ये, और ये जो है अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार का। ये कॉम्प्लेक्स का नाम है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, और यहां आपको कुतुब मीनार दिखाई पड़ रहा है, ये है मस्जिद वाला पूरा एरिया, और मस्जिद वाले एरिया में कुतुब कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के लिए अलाई दरवाजा। तो कुवतुल इस्लाम मॉस्क बनवाले वाला आदमी का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार बनाने वाला आदमी का नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाई दरवाजा कंस्ट्रक्ट करवाने वाला आदमी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक आदमी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी आने वाला राजा लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में भी। कुवतुल इस्लाम मॉस्क एंड ये उसका मिनिएचर है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 12th सेंचुरी का बना हुआ है। फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सल्तनत, जिसको ये लोग बनाएगा वो दिल्ली सल्तनत में पहला सिटी का नाम था दिल्ली कोहना, जिसको बनाया था क्लास में एकदम पहले बताया था आपको, कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं पे एक मस्जिद बनाएगा कुवतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। बाद में इल्तुतमिश जब आएगा इस मस्जिद को और एक्सपैंड करेगा, मतलब ये है कि मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक इतना पार्ट बनाया था, ये वाला पार्ट बनाया था और आगे का, एक्चुअली ये बिल्डिंग कैसे है, ये बिल्डिंग ऐसे है आपका, ये मस्जिद का एक्सपेंशन ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है। तो ये वाला जो इतना आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पार्ट मान लो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया, इधर वाला पार्ट इल्तुतमिश और इधर वाला पार्ट अलाउद्दीन खिलजी, ये दो आदमी लोग और आगर की मस्जिद में डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अब कुवतुल इस्लाम मॉस्क के पास में आप देखो पहले से कुतुब मीनार एक बना के रखा था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन 1193 में स्टार्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कंप्लीट करेगा इल्तुतमिश, और कौन कंप्लीट करेगा, एक और आदमी इल्तुतमिश कंप्लीट करेगा, और कुछ उसमें थोड़ा बहुत काम अलाउद्दीन खिलजी भी करेगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार को रिपेयर कौन किया, तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, डेवलपमेंट का काम कौन करेगा, इल्तुतमिश। और रिपेयर करने का काम कौन करेगा, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। रिपेयर क्यों, इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पे बिजली गिर गया था और बिजली गिर जाने से खराब हो गया था, तो इसको रिपेयर करेगा कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब मॉस्क इज कॉल्ड, अब मस्जिद का मतलब क्या होता है, मस्जिद का मतलब होता है मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरबिक, लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम, कहां, यहां पे मुस्लिम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं।
मस्जिदे जामी, जो जामी यहां पे वर्ड लिखा हुआ एक्चुअली वर्ड होता है जामा, जामा का मतलब होता है बिग, और जामी उसी को आजकल बोलते हैं। तो जामी मस्जिद जिसको शाहजहां बनवाया था, तो मस्जिद में फ्राइडे प्रेयर्स, जो पांच प्रेयर्स होता है 5 टाइम का, और एक फ्राइडे प्रेयर्स, ये 6 नमाज तो मस्जिद में होता है ना। ये नमाज को जो पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ाने वाला को बोलते हैं इमाम। इमाम का मतलब मेन मौलवी साहब जो नमाज पढ़ाते हैं। और फ्राइडे का दिन मौलवी साहब सेरमन मतलब खुतबा भी देते हैं। खुतबा का मतलब क्या होता है, फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे की नमाज पढ़ने से पहले मस्जिद में मौलवी साहब अपने मुसलमान भाई लोग को क्या क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये बताते हैं। जैसे नमाज पढ़ना अच्छी बात है तो नमाज पढ़ो, नमाज मत छोड़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, देश को प्यार करो, ये सब आप देखेंगे मौलवी साहब लोग बताते हैं फ्राइडे के दिन, फ्राइडे प्रेयर्स के दिन। ठीक है, इसी को, ये जो बताते हैं मौलवी साहब लोग अपने मुस्लिम भाई लोग को, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में सेरमन, खुतबा, मतलब रिलीजन का उपदेश देना, दैट इज कॉल्ड खुतबा। ड्यूरिंग द प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, प्रेयर के टाइम पे मुसलमान लोग मक्का की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इन इंडिया, और इंडिया जहां पे इंडिया का पोजीशन है उसके हिसाब से मक्का जो है वेस्ट की तरफ होता है, और इसीलिए पूरा इंडिया का मुसलमान लोग वेस्ट की तरफ खड़े होकर के नमाज पढ़ता है। मक्का में क्या है, काबा, और पूरा दुनिया का मुसलमान लोग काबे की तरफ नमाज पढ़ता है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो मक्का है ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, और काबा सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, तभी पूरा दुनिया का मुसलमान लोग क्या करता है, काबे की तरफ नमाज पढ़ता है। अगर मान लो काबा यहाँ होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता, क्योंकि पूरा दुनिया में मुसलमान है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम काबा जो है सेंटर ऑफ द अर्थ है, पूरा दुनिया का मुसलमान काबा की तरफ नमाज पढ़ता है ना। और एक दुनिया में सबसे पहला जो वर्ल्ड मैप बनाने वाला आदमी था वो अरबिक आदमी था, उसका नाम था अल रजूदी। पता नहीं गूगल भी आपको आंसर बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, आई डोंट नो। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड मैप बनाने वाला अरबिक आदमी था, उसका नाम था अल रजूदी। अल रजूदी क्या किया था, जो वर्ल्ड मैप बनाया था उसको, वो क्या किया था, काबा को सेंटर ऑफ द अर्थ, मक्का सिटी जो है उसको सेंटर ऑफ द अर्थ लिया था। ठीक, और वो क्या किया था, अभी क्या है, अभी साउथ पोल नीचे है, नॉर्थ पोल ऊपर है, उसका जो वर्ल्ड मैप था उसमें नॉर्थ पोल नीचे था, साउथ पोल ऊपर था। इसको ट्विस्ट कर दिया ब्रिटिशर्स लोग, साउथ पोल नीचे करके नॉर्थ पोल ऊपर कर दिया, ठीक है, और सेंटर ऑफ द अर्थ कर दिया ग्रीनविच, बस और कुछ नहीं है। वही वर्ल्ड मैप को कॉपी कर लिया ये लोग, नाम चेंज करके, पोजीशन चेंज करके वर्ल्ड मैप बोल लिया कि हम लोग बनाया है। गूगल में भी अब आंसर सर्च करेंगे तो कोई ब्रिटिश आदमी का नाम आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में वर्ल्ड मैप जो इस्लामिक हिस्ट्री बोलते हैं, वर्ल्ड मैप पहले बनाने वाला आदमी का नाम था अल रजूदी, जो शायद आपको गूगल भी ना बोल पाए। ठीक है, तो ये सब चीटिंग है, सब चीटिंग है। स्वेज कैनल खोजने वाला आदमी का नाम था, उसका नाम था खलील जिब्रान। अभी गूगल चेक करोगे मिलेगा आपको आंसर खलील जिब्रेटर, और बोलेगा वो क्रिश्चियन आदमी था जबकि वो अरबिक आदमी था, नाम ट्विस्ट कर दिया उसका, उसी का नाम को ट्विस्ट कर दिया। ओके, अब ये एक मस्जिद है, इसका नाम है बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद बिल्ट इन द रेंज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहांपना। जहांपना सिटी बनाया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे एक शहर बना, एक मस्जिद बना, बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, और ये अभी देखेंगे यहाँ पे एक सेंचुरी भी है, और जो बहुत फेमस है अभी पूरे दुनिया में। कहाँ पे है ये मस्जिद, ये मस्जिद है दिल्ली में। जहांपना शहर कहाँ पे बनाया था, दिल्ली में बनाया था, और ये मस्जिद भी वहीं पे बनाया था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मस्जिद के ऊपर ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, उसी का ये फोटो अलग से करके यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मस्जिद के ऊपर जो डिजाइन दिया हुआ है। द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हम, एक मेरा क्वेश्चन नहीं है, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम था सौरभ। ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट था सौरभ, हम उसको महिंद्रा में पढ़ाया था, और सौरभ का फिर बाद में क्या हुआ, महिंद्रा में वो एज अ फैकल्टी भी ज्वाइन किया था, हम लोग ही उसको ज्वाइन करवाया था। तो समटाइम्स वो कभी कभी क्या होता था, वो बेसिकली साइंस पढ़ाता था, लेकिन हिस्ट्री हम उसको पढ़ाया था, उसको हिस्ट्री बहुत इंटरेस्ट आया, फिर वो हिस्ट्री सीखा अच्छे तरीके से, और हिस्ट्री भी क्लास में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो कुछ कुछ क्लास में जब हम नहीं रहते थे तो वो हिस्ट्री पढ़ाता था कुछ क्लास में, जब अगर हम नहीं है, कभी छुट्टी पर है, कोई क्लास में सिर्फ हिस्ट्री बचा हुआ है, तो ऐसे क्लास में पढ़ाता था। तो एक ना दिसंबर 2017 में एक बैच था, सुबह 7 बजे का एक बैच था ना, सुबह 7 बजे का, विंटर का टाइम है, दिसंबर 2017 में बैच था,
उसमें दो आर्मी मैन थे। एक आर्मी मैन थोड़ा मतलब उनका दिमाग बहुत माथा गर्म रहता था हर मन हर टाइम। नॉर्मली हमको 99% या 100% बोलेंगे कि जितना भी हम पढ़ाए हैं मतलब आर्मी मैन नेवी एयरफोर्स ये लोग अपना देखना 12 साल का सर्विस करने के बाद अपना जॉब छोड़ करके 12 साल में रिटायरमेंट लेने के बाद फिर ये लोग एसएससी का प्रिपरेशन करने आते हैं। तो हम बहुत इन लोग को पढ़ाया, बहुत पढ़ाया, आसनसोल दुर्गापुर जाते थे हमेशा पढ़ाने के लिए, कोलकाता में तो बहुत ही पढ़ाया इन लोग को। तो 99 या 1% कभी आप देखेंगे कि खराब आपको मिला होगा स्टूडेंट, वरना ये लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत अच्छे। मतलब अब इनको स्टूडेंट बोले क्या बोले जो भी बोले, पढ़ने आए थे स्टूडेंट ही अब इनको बोल रहे हैं। इनका माथा बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। कभी आपको मिलेगा कोई एक खराब मिल जाए, तो उसमें एक आर्मी मैन थे सौरभ पढ़ा रहा था उनको, तो ये पढ़ा रहा था वो मेडिवल हिस्ट्री फिरोज शाह तुगलक पढ़ा रहा था। तो एक दिन वो बोला, उस सौरभ को बोला कि वो आर्मी मैन के सर ये राजा लोग अच्छा नहीं था। सौरभ पूछा क्यों, बोला कि सब राजा लोग मस्जिद बनाता था। तो बोला कि तो मस्जिद नहीं बनाना चाहिए, मस्जिद बनाना तो खराब बात नहीं है। तो बोलता कि नहीं सर ये मंदिर नहीं बना है तो ये राजा लोग खराब हो गया। तो सौरभ अच्छा उसको जवाब दिया हम नहीं थे, फिर बाद में उसने मुझे बताया। सौरभ बोलता है कि अगर ये मुस्लिम मेरा है राजा मुसलमान है, जो नेचुरल बात है कि राजा मुसलमान है तो मस्जिद न बनाएगा। हिंदू डायनेस्टी आप देख एंशियंट पीरियड पढ़ेंगे तो राजा हिंदू तो क्या बनाते थे, वो टेम्पल बनाते थे। तो नेचुरल बात है कि अगर राजा मुसलमान है तो मस्जिद ही ना बनाएगा। थोड़ा इंक्लिनेशन तो किसी ना किसी रिलीजन की तरफ होता ही है कोई भी राजा का, लेकिन वो लोग पर्सनल लाइफ में रिलीजियस नहीं होते थे, लेकिन पब्लिक को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, रिलीजन का काम करते थे। पर्सनली रिलीजियस नहीं होते थे एक्सेप्ट टू किंग, दैट इज एक्सेप्ट एक किंग अशोका। अशोका बुद्धिस्ट था और बहुत रिलीजियस हो गया था बुद्धिज्म को फॉलो करते करते, है ना। सम टाइम आप कभी कभी बोल सकते हैं कि कनिष्का वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट किंग, रिलीजन को फॉलो करने वाला किंग था, बुद्धिज्म को वो भी फॉलो करता था, इसलिए उसको बोला सेकंड अशोका। लेकिन अशोका का बात अलग था, बिल्कुल अलग था। और कोई भी राजा इसलिए तीर्थ यात्रा पे कभी नहीं जाएगा, हज करने या तीर्थ यात्रा पे कोई भी राजा नहीं जाएगा। ओके, तो ये एक मस्जिद आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली सल्तनत में। इस मस्जिद का नाम है मौत की मस्जिद, MOTH, मोट। मोट का मतलब हो क्या होता है पता है आपको, मोट का मतलब होता है ग्रेन। इसका स्टोरी बहुत खतरनाक है, आप सुनो स्टोरी। इस मस्जिद, ये मस्जिद का बना था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का एक प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर को तब फारसी में बोलते हैं वजीर, ठीक है। उस आदमी का नाम था जो वजीर था, उसका नाम था मियां बोइया, ठीक है, मियां बोइया, BOIYA। ही वॉज वजीर ऑफ सिकंदर लोदी। तो जहां पर यह मस्जिद आजकल दिल्ली में बना हुआ है ना, वहां पर एक छोटा सा मस्जिद था। सिकंदर लोदी वो मस्जिद को विजिट करने गया, नमाज पढ़ने गया होगा मे बी। तो मस्जिद का कम जो छोटा सा मस्जिद था, वो मस्जिद के बाहर में बड़ा सा, पहले तो इतना पॉपुलेशन नहीं था तो जमीन पूरा खाली रहता था, तो मस्जिद के बाहर में एक ग्रेन गिरा हुआ था। ग्रेन, वो ग्रेन को सिकंदर लोदी उठा लेते हैं। इसलिए उठा लिया सिकंदर लोदी का मानना है कि ये खाने पीने का चीज है, इस पे कोई पैर है ना, ये तो नॉर्मल हर आदमी करता है ये काम, कि वो खाने पीने का सामान गिरा रहा था तो उसको उठा लेता क्योंकि वो पैर के नीचे ना आ जाए। तो सिकंदर लोदी का ऐसा करने पे उसका वजीर जो साथ में था मियां बोइया, वो देखा कि मेरा राजा इतना एक ग्रेन को भी इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ग्रेन सिकंदर लोदी से वो उसका वजीर ले लेता है। और लेने के बाद उसको फेंका नहीं, वो क्या किया, उस ग्रेन को वो मस्जिद के पास जो खाली जमीन था वहां पे प्लांट कर दिया। वो जब प्लांट किया तो उसका देखा देखी करके कुछ और आदमी लोग प्लांट किया उसी ग्रेन को। नतीजा ये हुआ कि वहां पे उस ग्रेन का पूरा खेती होने लगा। खेती होते होते इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ कि उसको बेच करके अब जो पैसा आया, तो वहां पे जो छोटा मस्जिद था उसको शहीद करके, जब मस्जिद को गिराते हैं तो शहीद बोलते हैं, उस मस्जिद को गिराने के बाद और वो जो ग्रेन बेचने से सालों साल जो पैसा आया उससे वहां पे मस्जिद बनाया। और इस मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन जो रखा था वो सिकंदर लोदी रखा था, और इसीलिए ये मस्जिद का नाम हो गया मोट मस्जिद। मोट का मतलब ग्रेन, ग्रेन मस्जिद, ठीक है। तो ये है इस हिस्ट्री, इस मस्जिद की
स्टोरी। अब दूसरी वाली मस्जिद आप देखना जरा, प्रमोट की मस्जिद कौन बनाया, नाम अभी लिखवा देंगे आप लोग को लास्ट में, किसके टाइम पे बना, सिकंदर लोदी आपको पता है, क्यों बना ये भी आपको पता है। अब देखना ये सब आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी में आता है बाबू क्वेश्चन। दूसरी मस्जिद है जमाली कमाली, ठीक है, मॉस्क जमाली कमाली, ये भी दिल्ली में है, और जमाली कमाली मॉस्क इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था हुमायून, ठीक है हुमायून। अब सुनो जरा इसका स्टोरी, जमाली और कमाली दो आदमी का नाम है। जमाली एक सूफी सेंट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोदी डायनेस्टी, और लोदी के बाद आप जानते कौन आया, मुगल्स लोग आए। तो जमाली एक सूफी सेंट थे, ठीक है, बहुत फेमस सूफी सेंट और पोएट थे, ठीक है, और जमाली का नाम था शेख हमीदुद्दीन फजलुल्ला, शेख हमीदुद्दीन फजलुल्ला, ही वॉज पोएट एंड सूफी सेंट। उन्हीं के मर जाने के बाद उनको यहां पे दफन किया गया। और दूसरा एक आदमी जिसका नाम था कमाली, अब कमाली के बारे में हिस्ट्री में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कमाली कौन था, कहां से आया, कब आया, नहीं पता। तो जमाली और कमाली दोनों को मर जाने के बाद दिल्ली में वहां पे दफन किया गया, और इन दोनों के नाम से मस्जिद के बगल, उनके टॉम्ब के बगल में दिल्ली में एक मस्जिद बनाया गया जिसका नाम है जमाली कमाली टॉम्ब, जमाली कमाली मस्जिद, जो बना है कब, 15 आप देखना 29 के आसपास में ही वाला मस्जिद बन करके कंप्लीट हो जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा कब, 1520 में, है ना, और इसको कंप्लीट करेगा 1529 के आसपास में इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर देखना इसको तो छोड़ करके जाना भी पड़ेगा अपना स्टेट, है ना, 1530 में इसको छोड़ करके जाना पड़ेगा, और 1530 से 40 तक फिर देखना शेर ससूरी 45 तक ये लोग रूल करेगा, 15 साल तक शेर ससूरी का डायनेस्टी आ जाएगा। अब जरा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला मस्जिद। अच्छा यहां पे एक शाहजहां मस्जिद बनवाया था, मस्जिद का नाम है आप जानते हैं जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, आगे देखना। The consolidation of kingdom as a vast as the Delhi Sultanate needed reliable governance and the administration, ठीक है, rather than appointing aristocrats and the landed chieftains governor, the early Delhi sultans especially Iltutmish favored their special slaves, राजा लोग क्या करते थे, जो स्लेव को पकड़ के लाते थे या खरीद के लाते थे उनमें से जो सबसे अच्छा स्लेव उनको लगता था स्किलफुल, उस स्किलफुल आदमी को क्या करते थे, गवर्नर या आर्मी जनरल बना देते थे, ठीक है। The military services called bandagan. अब जो ये मिलिट्री में सर्विसेज में, बंदा का मतलब क्या होता है, बंदा का मतलब इंसान, बंदगान का मतलब होता है स्लेव, ठीक है, और बंदगान ये ऐसे स्लेव लोग को प्रमोट करके इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर देते थे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये कि स्लेव लोग को जब इंपॉर्टेंट पोजिशन पे अपॉइंट करेंगे तो जो रॉयल फैमिली टाइप का दो आदमी लोग होगा वो लोग क्या हो जाएगा, किंग का ये सब जो एक्शंस है इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारा नोबेल और पढ़ा लिखा आदमी लोग क्या हो जाएगा, किंग से धीरे धीरे एंटी होने लगेगा, और इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा एक जगह हिस्ट्री में मिलेगा, कहां पे हम लोग को मिलेगा हिस्ट्री में देखना। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, बंद दीवाने बंदगान इसको कौन फॉर्म किया था, दीवाने बंदगान, द सुल्तान्स वेयर एडवाइज्ड, ठीक है, वो जमाना में मेरे तरह कोई पढ़ा लिखा आदमी था जो राजा को एडवाइस किया था कि स्लेव जो है जिसको खरीद के लाए हो उसको प्रमोट जब करेंगे मस्ट बी लुक्ड आफ्टर हिज नीड होल टाइम एंड गुड लक टू फाइंड वर्दी एक्सपीरियंस स्लेव, ठीक है। वाइज मेन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन सन, पहले तो क्या बोल रहा है कि आपको स्लेव जो लाए हो जिसको इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आप अपॉइंट किए हो उसका नीड का आपको केयर करना पड़ेगा, और ऐसा अगर आप करते हो और आपको सही स्लेव अगर मिल गया तो बेटा से बेटर है वो स्लेव। क्यों ऐसा बोला गया, इसलिए बोला गया इल्तुतमिश स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, किसका, मोहम्मद गौरी का, और मोहम्मद गौरी अपना स्लेव लोग को इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंट किया क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई बेटा भी था नहीं पहला बात, और मोहम्मद गौरी बोलता था कि मेरा नाम को रोशन मेरा स्लेव लोग करेगा, और नाम को रोशन स्लेव लोग किया। उसके बाद आप देखना बलबन, बलबन वाज आल्सो स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, वो भी नाम को रोशन किया, है ना, इल्तुतमिश के बेटों से बेटर था इल्तुतमिश का वो स्लेव जिसका नाम है बलबन, जो इल्तुतमिश के बेटे लोग को बाद में मारने के बाद आ जाएगा पावर में।
द खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू द यूज ऑफ बंदकांस. खिलजी और तुगलक दो लोग बंदकांस स्लेव लोग को अपने आर्मी में इंपॉर्टेंट पोजिशन पे रखते थे, है ना. हु वेर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पोलिटिकल पोजिशन. दे वेर अपॉइंटेड एज द जनरल गवर्नर्स. हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एलिमेंट ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब ऐसा करने से स्लेव लोग को इंपॉर्टेंट पोजिशन पे जब अपॉइंट कर देंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंट करने से क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. जो रॉयल क्लास का आदमी लोग होगा वो धीरे 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 खफा होना स्टार्ट हो जाएगा. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वेर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड द पैट्रंस बट डू नॉट देयर हायर्स. जो राजा का बेटा लोग होता था खानदान वाला, वो राजा के लिए ज्यादा लॉयल नहीं होता था, जबकि जो स्लेव होता था वो ज्यादा लॉयल होता था. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स. एज अ रिजल्ट The accession of new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. तो जब भी कोई नया राजा बनता था वो नया अपना मिनिस्ट्री बनाता था, नया अपना सर्वेंट्स अपॉइंट करता था, तो पुराने और न्यू वाले में क्या हो जाता था, क्लैश हो जाता. जैसे ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जब पावर में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक अपना नया नोबिलिटी, नया सर्वेंट, सबको नया अपॉइंट करेगा. तो पुराना उसके बाप के टाइम में जो सर्वेंट और नोबल्स लोग होगा, इन दोनों में पुराने और न्यू में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाता था. द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलिट एंड द ऑथर्स. पर्शियन तवारी क्रिटिसाइज द दिल्ली सल्तनत अपॉइंटिंग लो बेस बोर्न हाई ऑफिसर्स. तो वो जमाना में आप देखेंगे जो लो बोर्न लो क्लास का स्लेव लोग को इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अपॉइंट कर देते थे, जिससे नोबेल लोग, रॉयल फैमिली का मेंबर्स लोग और जो हिस्ट्री लिखने वाला आदमी लोग होता था वो लोग भी इससे एंटी हो गया, और जिससे इनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना. चलिए, ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंट अजीज कुमार. अब जो लो क्लास का स्लेव लोग को अपॉइंट किया गया था वो कौन कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे बहुत सारे लो क्लास आदमी को अपॉइंट किया गया था, जो लोग लो पोजीशन, जो लोग को हाई पोजीशन, जिस लोग को हाई पोजीशन पे अपॉइंट किया था. तो एक आदमी का नाम था अजीज कुमार. कुमार आप जानते हैं पोर्टर होता है ना. अब वाइन डिस्टिलर अजीज कुमार, अब वाइन डिस्टिलर फिरोज हज्जाम बार्बर, और मनका तबक्का अ कुक, गार्डनर्स टू गार्डनर्स लड्डा एंड पीरा, नाम आदमी का याद रख लेना. इन सब को इंपॉर्टेंट पोजिशन पे अपॉइंट कर दिया था, जिससे जियाउद्दीन बरनई क्या बोलता है 14th सेंचुरी का बारे में, कि इससे मोहम्मद बिन तुगलक का पॉलिटिकल समझ के बारे में पता चलता है. क्या बोलता है जियाउद्दीन बरनई, कि ऐसे इंपॉर्टेंट पोजिशन पे लो क्लास का आदमी लोग को जब अपॉइंट कर देता है, जिससे पता चलता है कि पॉलिटिकली उसका दिमाग सही नहीं था, है ना. और ये कहीं हद तक बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि अगर जो आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो हजाम है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उतना पता नहीं होगा. जो नोबेल क्लास से आदमी होगा उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा पता होगा. इसीलिए जब हजाम को आप नोबेलिटी में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट कर देंगे, तो हो सकता है वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम ना दे पाए. हो सकता है 1-2% ऐसा आदमी निकल जाता है जो लोग उस पोजीशन पे आने के बाद काम करना अच्छा स्टार्ट कर देता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है 95% के इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आने वाला आदमी जो उस एरिया से बिलोंग नहीं करता है वो काम नहीं कर पाएगा. जैसे आजकल देख लो, है ना. लाइक अर्लियर सुल्तान द खिलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज द गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो गवर्नर को अपॉइंट करते थे तुगलक लोग एंड खिलजी लोग, ठीक है. और इसको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे इक्तादार. और इक्ता वाला पॉलिसी इंट्रोड्यूस कौन किया था, इक्ता वाला पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला आदमी का नाम था इल्तुतमिश. इल्तुतमिश एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, एक जमीन का किसी को मालिक बना देना, उसको अपना आर्मी मेंटेन करना है, और जबी को राजा को जरूरत होगा तो अपना आर्मी लेके आएगा, राजा को मदद करेगा. इसके बदले में यहाँ पे वो जो गवर्नर है, गवर्नर को टर्किश लैंग्वेज में क्या बोलते थे, मुक्ति, है ना. ये वाला क्वेश्चन पूछा है WBCS में मेंस में 2014. उर्दू में इसको बोलते थे इक्तादार. ये गवर्नर क्या करेगा, खाली टाइम में जमीन पे एग्रीकल्चर करेगा, यहां से जो पैसा आएगा उस पैसे से अपना आर्मी को मेंटेन करेगा, अपना खर्चेस को मेंटेन करेगा, अपना एरिया को डेवलप करेगा, और बाकी बचा हुआ पैसा राजा को भेज देगा टैक्स के रूप में. इस पूरा सिस्टम का नाम क्या था, इस पूरा सिस्टम का नाम था इकटादारी सिस्टम. और इस सिस्टम को क्या बोलते थे,
और यहाँ के रूलर को क्या बोलते थे, मुक्ति, है ना, और या इक्तादार बोलते थे। तो ये कंटिन्यू जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी लोग के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे फॉलो किया जाएगा, कंटिन्यू फॉलो किया जाएगा। हाँ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देगा, इक्टा सिस्टम को बाद में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी एंड कर देगा और इक्टा के जगह पे परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी लेकर के आएगा। और वो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का मतलब यह होता है कि कैश में जिनको सैलरी देकर के मेंटेन किया जा रहा है ना। ठीक, Muktis was not effective in the offices, was not inheritable, and if there were assigned iktas for the short period of time before being shifted, these harsh. क्या करता था ये जो इक्टा को अपॉइंट करता था, वो लोग क्या करता था, बहुत इसका एकदम स्ट्रॉन्ग रूल ये लोग मेंटेन करके रखा था। क्या करता था कि जो भी इक्टा का रूलर अपॉइंट करके रखता था, उनको तीन साल में ट्रांसफर, थ्री टू फाइव ईयर में ट्रांसफर कर देता, जिससे क्या करे वो कोई भी इक्टादार उस जगह पे रह करके करप्शन को बढ़ावा ना दे, इसलिए क्या कर देता वो लोग सर्विसेज में ट्रांसफर करता रहता था। अलाउद्दीन खिलजी भी करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। अकाउंट्स वेर अपॉइंटेड बाय अकाउंटेंट्स, अपॉइंट कौन करता था, वो भी राजा अपॉइंट करता था, जो लोग रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और उसका उसको मेंटेन किया करता था। ठीक है, केयर वॉज टेकन, मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड केप्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। एज द दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब कोस्टल एरियाज, नदी वाला एरिया, सिटीज अंडर द कंट्रोल, दे फोर्स्ड द लैंडेड चिफ्टिन्स एंड सामंतास एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो भी उधर के रूलर लोग थे, चीफ लोग, लैंडलॉर्ड्स लोग थे, वो सारा एरिया को कब्जा करने के बाद वो सामंत लैंडलॉर्ड लोग को दिल्ली सल्तनत का राजा लोग अपने कंट्रोल में ले लेता है। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, पहली बार लैंड का असेसमेंट करेगा, किस लैंड से कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, इसके पहले इतना लैंड का असेसमेंट नहीं किया गया था। मतलब ऐसे ही, मतलब 4% टैक्स लेना है, 1/3% टैक्स लेना है, ये ऐसे मतलब मुंह से बोल दिया और डिसाइड हो गया। अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, लैंड का क्या असेसमेंट करेगा कि कहां पे कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है और उसके हिसाब से टैक्स को इंपोज करेगा। अंडर दिस कंट्रोल द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टिन्स टू लेवी टैक्सेस वेयर कैंसल्ड एंड दे वेर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। राजा लोग जो टैक्स लोकल लेवल पे कलेक्ट करता था उसका पावर को खत्म कर देगा और उससे भी राजा लोग जो दिल्ली सुल्तान है वो लोग टैक्स लेना स्टार्ट कर देगा, जो एरिया को वो लोग अपने कंट्रोल में लगा। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सुल्तान एज द रेवेन्यू कलेक्टर्स। तो पुराना जो लोग लैंडलॉर्ड्स थे, मान लो यमुना का एक रीजन, जैसे यमुना का एक रीजन मान लो कन्नौज, कन्नौज को दिल्ली सुल्तान अपने कंट्रोल में लाया, तो वहां का अगर कोई लैंडलॉर्ड होगा उसको अपना दिल्ली सुल्तान लोग क्या बना देता था, टैक्स कलेक्टर बना देता था। ठीक है, जो टैक्स को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके राजा को सेंड करेगा। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कौन कौन सा याद रख लेना। नंबर वन खर्च, जो कल्टीवेशन पे लगता था, एंड अकाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पेजेंट्स प्रोड्यूस। खर्च जो है ये अप टू 50% भी टैक्स लग जाता था समटाइम्स, जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता था। दूसरा है कैटल के ऊपर, और तीसरा है हाउस टैक्स। खर्च है कल्टीवेशन के ऊपर, कैटल के ऊपर जो टैक्स था उसका टैक्स का नाम लिख लेना, इस टैक्स का नाम है चराही, CHARAHI, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था। और हाउस पे जो टैक्स लगाता था उस टैक्स का नाम था ग्रही, GRAHI। ये तीनों टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इंपोज किया था अलाउद्दीन खिलजी। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथ इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट इवन इन द गंगाटिक प्लेन देयर वेयर फोरकास्टेड एरियाज। ठीक है, द सुल्तान्स The Sultanate forces could not penetrate local chieftains establish their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq could force their control in these areas, but only for the short duration. तो ये जो areas लोग पे, जो hinterland था,
उस एरिया में ये लोग इंटर तो कर जाएगा लेकिन बहुत अंदर तक नहीं जा पाएगा, और कुछ एरिया पे कंट्रोल ये लोग का कुछ दिनों तक रहेगा, फिर वहां पे रिवोल्ट हो जाएगा और कुछ कुछ एरिया ये लोग धीरे धीरे लूज भी करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो एकदम इन लोग का लास्ट ऑफ द लाइफ में होगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब जो बूढ़ा हो गया उस टाइम होगा। जैसे मोहम्मद ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन बलबन के टाइम में बंगाल में रिवोल्ट हुआ था, बंगाल में जब रिवोल्ट हुआ था तो ग्यासुद्दीन बलबन वो बहुत तब बूढ़ा हो चुका था, है ना। तो ग्यासुद्दीन बलबन फिर फाइनली बंगाल आया और बंगाल में आकर के उस रिवोल्ट को क्रश कर देता है ना, ठीक, और उसको पूरे खानदान वालों को मार देता है ग्यासुद्दीन बलबन। वो बहुत कड़क आदमी था, बहुत कड़क आदमी। अब इब्न बतूता आया किसके टाइम पे, मोरक्को से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और ये आकर के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसकी हिस्ट्री को लिखेगा। तो क्या बोलेगा ये, फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन द माउंटेन्स, इन द रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस एज वेल इन द बैम्बू ग्रोव्स। इन इंडिया द बैम्बू इज द नॉट ओनली हॉलो, इट इज अ बिग, इट इज सेवरल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंटरवल। अब ये बैम्बू वम्बू से लेकर के कैसे स्टेट को बनाया जाता है, ये सब के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है उसके बारे में इब्न बतूता आकर के बता रहे हैं, ठीक है। और इब्न बतूता जो बुक लिखेगा उस बुक का नाम आप लोग कमेंट में जल्दी से मुझे बताना, ठीक है, कमेंट में जल्दी से मुझे बताना, ठीक। द मंगोल्स अंडर द, अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द मंगोल्स अंडर द चंगेज खान इन्वाइटेड द ट्रांस इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और आप देखना इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन सबके टाइम पे मंगोल्स लोग अटैक करेगा, ठीक है। तो चंगेज खान जब 1219 के आसपास पे अटैक करेगा, ईरान का एरिया पे अटैक करेगा, ठीक है, और ईरान के एरिया से अटैक करने के बाद वो जब दिल्ली सल्तनत तरफ पर अटैक करेगा तो अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम पे रहेगा रूलर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो पॉलिसी जो फॉलो करेगा वो पॉलिसी रहेगा डिफेंसिव पॉलिसी, वाइल एज मोहम्मद बिन तुगलक जब आएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑफेंसिव पॉलिसी इस्तेमाल करेगा, और मोहम्मद बिन तुगलक निकल करके वो जाकर के ईरान पे ही अटैक कर देगा, मतलब चंगेज खान का जो एरिया कैप्चर किया हुआ था उसी को जाकर के अटैक कर देगा। इसलिए देखना मोहम्मद बिन तुगलक का अंपायर में बहुत पैसे का कमी भी हो जाता है, लेकिन उसका पॉलिसी डिफेंसिव नहीं था, ऑफेंसिव पॉलिसी रखता था, है ना। और अलाउद्दीन खिलजी जबकि बहुत एग्रेसिव आदमी था लेकिन वो पॉलिसी डिफेंसिव रखा था जब ईरान पे, जब मंगोल्स लोग अटैक कर रहे, तो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, मैं आपको पहले बोल चुका, अलाउद्दीन खिलजी जो पॉलिसी इस्तेमाल करता था उस पॉलिसी का नाम था बाबू कंसोलिडेशन, और मोहम्मद बिन तुगलक जब पॉलिसी इस्तेमाल करता था वो था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसीलिए आप देखेंगे चार जो इंपॉर्टेंट फेलियर था मोहम्मद बिन तुगलक का, उसमें से ईरान पे अटैक, ईरान पे जगह का नाम क्या था, ईरान में वो जगह का नाम था खुरेसान, खुरेसान, है ना। अब ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299 1300 एंड 1303 एज अ डिफेंसिव अलाउद्दीन खिलजी रेज, जब मंगोल्स लोग अटैक किया है ना 1299 से लेकर के 1300 के बीच में, और 1302 से लेकर के 1303 के बीच में दो बार अटैक हुआ, जब दो बार अटैक हुआ तो मंगोल्स लोग के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव पॉलिसी रखेगा, देखो है ना। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जब अटैक करेगा ये पॉलिसी एक्सपेंशन रखेगा, तो इन दोनों के बीच में पहला वाला डिफरेंस है। और इस वाले रीजन को जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक जाकर के अटैक भी करेगा, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, खुरेसान बोलते हैं। तो पहला डिफरेंसेस। अब आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी, कहां पे, दिल्ली में, जो हम लोग मैप में देखा, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू गैरिसन टाउन्स द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज दिल्ली, दिल्ली कोना, है ना, जो पुराना इसका शहर है उसको क्या करेगा, ये गैरिसन को उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस ऑफ कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, टैक्स को 50%। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो टैक्स को 50% बढ़ा देता है, तो आंसर क्या बोलेंगे, आंसर बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम, आर्मी लोगों को पैसा तो देना पड़ेगा, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस, दिस
कंसीडर्ड विथ फेमाइन इन द एरिया, ये क्या करेगा, ये भी एडिशनल टैक्सेस, इसमें देखेंगे सिमिलैरिटी है कि एडिशनल टैक्सेस लगा देगा जहां पे फेमाइन आ जाएगा उस जगह पे, जिसका बारे में मोहम्मद बिन तुगलक को पता नहीं था, और इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी में यहाँ पे फर्क ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक उस जगह पे टैक्स जहां पे लगा रहे हैं वहां पे फेमाइन आ जा रहा है और उसको पता भी नहीं चल पा रहा है, ये बात बिल्कुल सच है, और वहां से टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे ये है बात कि अलाउद्दीन खिलजी टैक्स लगाने के पहले पहले वो असेसमेंट कर रहा है, और असेसमेंट करने के बाद इन गंगा और यमुना जो हाईली फर्टाइल एरिया था वहां पे टैक्स को 50% रेज कर रहा है। तो दोनों में यहाँ पे दूसरा एक बड़ा बड़ा डिफरेंस। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज कैश में देना स्टार्ट किया, और एक्टा को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट इन दिल्ली, और मर्चेंट लोग अगर रेस करेगा प्राइस तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस किया था देखना मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, मर्चेंट के ऊपर कंट्रोल रखता था, सामान का दाम को बढ़े ना, अगर सामान का दाम बढ़ जाएगा तो उसका आर्मी लोग सैलरी में इंक्रीमेंट का डिमांड करेगा। लेकिन जबकि तो पॉलिसी ये था कि अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्टली सैलरी दे रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो पेड सोल्जर्स, ये भी कैश में सैलरी पे करेगा लेकिन ये मार्केट पे प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने का और भी सारा कारण रहेगा, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर का देखो करेंसी इंट्रोड्यूस करेगा इंस्टेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज का जगह पे, ठीक है। तो ये मार्केट कंट्रोल में पॉलिसी पे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी नहीं रख पाएगा और ये मार्केट पे कंट्रोल रख पाएगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल प्रेस्ड, ठीक है। तो उस टाइम का हिस्टोरियन लोग क्या करेगा, वो उसको प्रेस करेगा, ही सक्सेसफुली मंगोल्स लोग का इन्वेजन को रोक पाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में क्या है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो है वो पूरा पूरा फेल कर जाएगा, ठीक है। उसका कैंपेन रहेगा कश्मीर की तरफ, खुरेसान की तरफ, ईरान का वो पार्ट वाला है ना, ये सारा एरिया को जब अटैक करेगा इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, ये इसका गलत पॉलिसी था, इस गलत पॉलिसी से क्या होगा, उसका इकोनॉमी खराब होगा, शिफ्टिंग पीपल फ्रॉम दौलताबाद है ना, दिल्ली से लेकर दौलताबाद, दौलताबाद से फिर दिल्ली, इसमें भी बहुत आदमी मर जाएगा, और टोकन करेंसी जो इंट्रोड्यूस करेगा कॉपर एंड ब्रोंज का, ये भी इसका पॉलिसी जो है गलत होगा, जिसको उस टाइम का हिस्टोरियन लोग भी क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। नेक्स्ट, इन दिस लिस्ट मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर्स वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत दिल्ली सुल्तान प्लान्ड कैंपेन कैप्चर मंगोल टेरिटरी। इतना सारा फेलियर हम लोग पढ़ तो जरूर रहे मोहम्मद बिन तुगलक का, लेकिन एक बात हम लोग को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ही सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो हिम्मत करता है मंगोल लोग का टेरिटरी को कैप्चर करने का। अनलाइक अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद बिन तुगलक मेजर्स वेयर कंसर्न टू पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। मोहम्मद बिन तुगलक का पॉलिसी ऑफेंसिव और अलाउद्दीन खिलजी का पॉलिसी क्या रहेगा, डिफेंसिव पॉलिसी रहेगा, ये हम लोग को भूलना नहीं चाहिए मंगोल के अगेंस्ट में। अगेन यू विल नोटिस दैट आफ्टर तुगलक सैयद लोधी एंड डायनेस्टी रूल्ड ओवर द दिल्ली आगरा until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rules. Actually, में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही इंडिपेंडेंट स्टेट बनना स्टार्ट हो गया था, और जब मोहम्मद बिन तुगलक मर जाएगा और उसके बाद सैयद और लोधी लोग जब आएंगे तो ऐसा कोई काबिल किंग नहीं रहेगा जो ये इंडिपेंडेंट सल्तनत को दोबारा से दिल्ली सल्तनत में मिला पाए, और वो इंडिपेंडेंट सल्तनत रह जाएगा जिसको बाद में मुगल्स लोग आकर के कैप्चर करके 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 सबको दिल्ली सल्तनत में, सॉरी दिल्ली में मुगल एम्पायर में मिलाना स्टार्ट करेगा। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक अफगान्स एंड राजपूत। और फाइनली आप देखेंगे कि ये जमाना में राजपूत और अफगान बहुत ज्यादा इनका डेवलपमेंट हो जाएगा और ये लोग पावर में फिर फाइनली आ जाएगा। आप पूरा मुगल अंपायर का हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो मुगल अंपायर को सिर्फ मुगल अंपायर बोलना नहीं चाहिए, मुगल राजपूत बोलना चाहिए, क्योंकि मुगल लोग को सबसे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में पूरा 90% सपोर्ट जो कर रहा है वो कौन करेगा, दैट इज राजपूत लोग। और मुगल राजा भी कौन है, आधे राजपूत है ना, शाहजहां आधा राजपूत था, औरंगजेब आधा राजपूत था,
सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वेर स्मॉल बट पावरफुल एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड, जैसे शेर शाह सूरी का 1540 से 1542 स्टार्टेड इस करियर, जो अफगानी थे, ठीक है, अफगानी थे, स्टार्टेड इस करियर एज अ मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरेटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड मुगल एम्परर हुमायून। 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायून रूल करेगा, फिर 1556 से लेकर के 56 तक, 55 से 56 तक रूल करेगा। शेर शाह कैप्चर्ड हिज दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, ऑल्दो सुरु डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 इयर्स, है ना, 1540 से 55 तक। इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन एंड शेर शाह अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी फॉलो करेगा वो अलाउद्दीन खिलजी से लेगा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आप फिल्म देखा है पद्मावती, पद्मावती फिल्म में उसको जो अटैकर बता रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं था, वो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत बड़ा रिफॉर्मर इंडिया का। और उसी का पॉलिसी को कौन फॉलो करेगा? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी जो पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा ना, उसी पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेशन में कौन अडॉप्ट करेगा? अकबर आगे अडॉप्ट करेगा और अपना अंपायर को कंसोलिडेट करेगा 1556 से लेकर के 1605 तक। शेर शाह सूरी पता कौन था? शेर शाह सूरी अफगानी आदमी। बाबर जब इंडिया आया ना, तो बाबर के साथ बहुत सारा अफगानी आदमी लोग इंडिया में आ गया, तो बाबर के साथ साथ वो लोग बहुत सारा आदमी लोग आ चुका था। लोदी लोग, वो लोग भी अफगानी थे, पहले अफगानी थे, लोदी के पहले सब लोग कौन थे? टर्किश थे। तो लोदी लोग के साथ और बाबर के साथ बहुत सारे अफगानी लोग इंडिया में आ गए। तो शेर शाह सूरी जो था वो पता क्या था? बिहार का गवर्नर उसके बेटे को ट्यूशन पढ़ाता था। हुआ ये, बिहार का गवर्नर मर गया, उसकी बीवी से शादी कर लिया और बिहार का गवर्नर बन गया। आगे चल करके क्या हुआ कि बिहार का जो गवर्नर था उसकी जो बीवी थी जिससे शेर शाह सूरी शादी किया, वो शेर शाह सूरी की बीवी जो हो गई, बिहार की जो गवर्नर की वाइफ थी, उसकी एक छोटी बहन थी, उसका नाम था लाड बेगम। लाड बेगम मिर्जापुर यूपी में उस वहां का गवर्नर था, उसकी बीवी थी। तो लाड बेगम आई थी बिहार, बिहार आई कुछ दिन रही, वापस जब मिर्जापुर जाने लगी तो शेर शाह सूरी उसको पहुंचाने गया। रास्ता में मिर्जापुर जब जा रहा था तो रास्ता में शेर अटैक कर दिया, शेर अटैक कर दिया तो शेर शाह सूरी शेर को मार दिया, शेर को मार दिया तो वो लड़की एकदम फिदा, बिहार की गवर्नर की बीवी, जो मिर्जापुर की गवर्नर की बीवी थी, फ्लैट, टोटल फ्लैट। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मिर्जापुर का जो गवर्नर था मुगल लोग का, उसका भी डेथ हो गया और लाड बेगम से भी शादी करके वो मिर्जापुर का भी गवर्नर बन गया, मतलब बिहार और यूपी दोनों का गवर्नर बन गया। क्या उसका किस्मत था? खतरनाक, है ना। तो किस्मत भी उसी को सपोर्ट करता है जो ब्रेव होते हैं, जो ब्रेव होते हैं। शेर शाह सूरी ब्रेव था इसलिए किस्मत उसको सपोर्ट कर रहा है, है ना। तो आप भी पहले दम लगाएंगे एग्जाम के लिए, तभी आपको अल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे, है ना, तभी आपको भगवान अल्लाह सपोर्ट करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोल रहा है, थ्री ऑर्डर्स ऑफ पीस, गॉड, नाइट एंड क्रूसेड्स। शांति लाने के लिए तीन तीन क्या है, पॉलिसी है, नाइट्स, क्रूसेड्स एंड गॉड्स। द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन द फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस, दोज हु प्रेड, प्रेड मतलब गॉड को मानने वाले, those who fought and those who tilled the land, ठीक है। This division in the society into the orders was supported by the church. इस order को support करेगा church, उस जमाने का जो church होगा, Catholic church, to the consolidated its dominant role in the society. आप जानते हैं हमेशा पंडित जी मौलवी साहब ये लोग सोसाइटी में डोमिनेट करके रखते हैं। This helped the emergence of new warrior group called knights, लड़ाई करने वाले knights. The church patronized these groups and used them to propagate their idea, peace of God. The attempt was to direct warriors away from conflict among themselves and send instead of campaign against the Muslims who had captured the city Jerusalem. तो idea emerge हुआ कि Jerusalem को मुसलमान लोग से कैसे खाली करवाया जाए। तो मुसलमान और क्रिश्चियन लोग के बीच में लड़ाई हुआ, इस लड़ाई को क्या बोलते हैं? क्रूसेड। समझ गए? God मतलब भगवान को पूजा वूजा करने वाले, नाइट्स जो लोग लड़ाई करने वाले हैं, और जो लड़ाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्रूसेड। क्रूसेड जिसको बाइबल में, इंग्लिश में जिसको क्रूसेड बोल रहे हैं, हिंदी में उसी को बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में उसको बोलते हैं धर्म युद्ध। कोई नोबल काउस के लिए लड़ाई करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रूसेड, हिंदी में बोलते हैं धर्म युद्ध, और इस्लाम में, अरबिक में बोलते हैं जिहाद। तो क्रिश्चियन चर्च लोग मुस्लिम लोग के अगेंस्ट में क्रूसेड का अनाउंस कर देता है। क्यों क्रूसेड का अनाउंस कर देता है? क्योंकि जेरूशलम पे मुसलमान लोग हैं और मुसलमान लोग से जेरूशलम को क्रिश्चियन लोग को छुड़ाना है। क्यों छुड़ाना है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन पीपल जेरूशलम में एक चर्च है जिस चर्च में जेसस को क्रूसेड किया गया था, फांसी दिया गया, सूली पे, नेल, नेल्स
गाड़ करके। तो इस ये चर्च क्रिश्चियन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेरूशलम पे जो पावर ऑथोरिटी रखता है वो वहां का मुसलमान लोग रखता है। तो मुसलमान लोग को वहां से भगाने के लिए ये होली वॉर अनाउंस करता है चर्च, जिसमें लड़ाई करते हैं नॉट नाइट्स लोग। और जब लड़ाई करेंगे इस वॉर में, आपको क्या मिलेंगे इस गॉड में, इस लड़ाई से आपको फाइनली गॉड अल्लाह भगवान मिलेंगे। तो ये वाला लड़ाई होगा है ना 11th सेंचुरी के बाद, ठीक है, बिटवीन मुस्लिम्स एंड आप देखेंगे इनके बीच में क्रिश्चियन पीपल लोग के बीच में। लेटर इन जर्मनी द हम्बल ऑरिजिन ऑफ दीज वॉरियर्स वेयर फॉरगेटन बाई 12th सेंचुरी नोबल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नोन एज नाइट्स, है ना। तो 12th सेंचुरी के बाद जो नोबल्स लोग थे वो लोग भी अपने आप को क्या करने वाले लगे, पहले जो फाइटर लोग होते थे उनको क्या बोलते थे, नाइट्स बोलते थे, ठीक है, नाइट्स बोलते थे। अब क्या हो गया, 12th सेंचुरी के बाद जो लोग नोबल क्लास लोग थे जो गवर्नमेंट चला रहे वो लोग भी अपने आप को क्या बोलने लगे, नाइट्स बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये है जेरूशलम। अब जेरूशलम में दुनिया का सबसे पहला मुसलमानों का मस्जिद है, इसलिए मुसलमानों के लिए जेरूशलम इंपॉर्टेंट। क्रिश्चियन लोग का सबसे पहला वो चर्च है जिसमें क्रूसेड किया गया, तो क्रिश्चियन लोग के लिए इंपॉर्टेंट। और यहूदी लोग का डेविड का टेम्पल है जिनको बोलते हैं दाऊद, दाऊद का टेम्पल, उसका अभी सिर्फ वेस्टर्न पार्ट पड़ा है, बचा है। बाकी तीन जो वॉल का एरिया था, जो वॉल था तीन वॉल टेम्पल का, वो तीन वॉल को कैथोलिक क्रिश्चियन लोग आज से 3,000 4,000 साल पहले वो लोग ऑलरेडी घिरा चुका है। तो वेस्टर्न वाला जो वॉल बचा है उसी को बोलते हैं आजकल वेस्टर्न वॉल, ड्वेलिंग वॉल। तो क्रिश्चियन लोग के लिए जेरूशलम बहुत इंपॉर्टेंट, मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यू पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए तीनों कम्युनिटी अपना कब्जा जमा के रखना चाहता है। अब क्वेश्चन मार्क खड़ो हुआ, जेरूशलम ओरिजिनली है किसका, तो आंसर है अरेबिक मुस्लिम लोग का। इसीलिए यहाँ पे जो चर्च है वो मुसलमानों के कंट्रोल में है और इसका चाबी रहता है मुसलमानों के कंट्रोल में। अब जो 25 आ रहा है दिसंबर, ये 25 दिसंबर को ये चर्च को मुसलमान लोग खोलते हैं, यहाँ का अरबिक मुस्लिम लोग खोल करके साफ सफाई करता है और फिर पूरा दुनिया का आदमी लोग ये चर्च को विजिट करने जाता है ना। और यहाँ का जो मस्जिद है, मुसलमानों का जो मस्जिद है, इस ये ज्यू लोग अपने कंट्रोल में रखा है कैप्चर करके, ठीक है। ये कैप्चर क्यों बोला जा रहा है, इसको इलीगली ये लोग कैप्चर किया है। और जो चर्च है वो मुसलमानों के कंट्रोल में यूनाइटेड नेशन दिया है, क्यों इसलिए दिया है, कौन रखेगा ये चाबी, तो कैथोलिक क्रिश्चियन लोग बोल रहा हम रखेंगे चाबी, रोमन जो प्रोटेस्टेंट है वो लोग बोल रहा हम रखेंगे, तो यूएन बोला किसी को नहीं देंगे, ये चाबी उसको देंगे जो यहाँ का ओरिजिनल होगा। तो यहाँ का ओरिजिनल आदमी था अरबिक मुस्लिम और चाबी यूएन उनको दे दिया जो अभी भी है और आगे कितने दिनों तक रहेगा वी डोंट नो, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, पता नहीं क्या क्या हम लोग पढ़ा क्या क्या नहीं पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो डाउट होगा तो आप लोग जरूर पूछ लेना कमेंट में दे करके। कल हम लोग 2 बजे मिलेंगे इन द स्पेशल क्लास। लिंक को शेयर कर देना दोस्तों में, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को और MDLM कोड लगा करके प्लस क्लास में ज्वाइन कर लेना, है ना। तो यहीं तक रखेंगे हम लोग आज का क्लास, है ना। थैंक यू, टेक केयर। शेरशाह बिहार में सासाराम, सासाराम से बिलोंग करते थे। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।